में कैसे पढ़ाया जाता है, कौन यूनिवर्सिटी अच्छा है खराब है, यानी कि सितंबर 2023 अगर आप आ रहे हो तो किस तरह से मिटिगेट किया जाए, और उसके बाद फिर इसमें आग में घी डालने का काम किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो अगेन हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके पास आ गए हैं, बहुत कुछ आज शेयर करेंगे। और यूके गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस आया है वीजा रिलेटेड, तो आज हम उसी से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे और सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो जब भी आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो तो एक बार आप रेलिवेंट वेबसाइट में, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट में जरूर चेक कर लेना कोई भी चीज, कोई भी स्टेप करने के पहले, उसके बाद ही जो है अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलो हाँ, तो वीज़ा इमिग्रेशन रूल्स में काफ़ी चेंज आया है, जो कि एक्सपेक्टेड ही था, हम लोग को लग ही रहा था, क्योंकि ये जब से पेंडेमिक ओवर हुआ है उसके बाद यहाँ पर इतना जॉब डिमांड बढ़ा है, और उसके बाद ब्रेक्सिट भी हुआ है, तो कंटिन्यूसली बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और उसके कारण यहाँ पर, उसके बाद फिर ये जो वॉर चल रहा है उसके कारण भी यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और उसके कारण चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। अभी इससे कनेक्टेड और एक हो गया है कि यहाँ पर ब्रेक्सिट होने के बाद, जैसे आपको पता ही है कि वीज़ा पॉलिसीज रूल्स में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं यूके के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, तो वो वीज़ा में काफ़ी कुछ रूल्स में चेंजेस आए हैं, और वो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है, तो उस टॉपिक पे ये वीडियो बनने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो, हम सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार हमें देख रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम यूके से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे शेयर करते रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा हमारे वीडियो से, अगर आप यूके आने वाले हो या फिर ऑलरेडी आप यूके में हो तो भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर भी जरूर करना जो लोग यूके आने वाले हो। तो पहला टॉपिक है ये वीजा रिलेटेड क्या सबसे बड़ा चेंज हुआ है। तो चेंज ये हुआ है कि आप अभी अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने फैमिली को यहाँ नहीं लेके आ सकते हैं। अभी ये क्यों हुआ है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आए हैं, क्योंकि ये जब से ये पेंडेमिक के बाद ये सारे इन्फ्लेशन और यहाँ पर जो फ्लैट्स के रेट्स और ये सब जो इतना एक्सपेंसिव हो गया है सब कुछ रेंट वेंट लेना, और उसमें स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स लोगों का एज यू नो कि उन लोग यहाँ का मेन उन लोगों का मोटिव है पढ़ना, और उसके बाद फिर उन लोग यहाँ पर जब आके पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उन लोगों के पास उन लोग कोई साइड ऐसे ही जॉब करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों के पास सैलरी कम होता है, लेकिन और उसके साथ क्या होता है कि वो अपने पूरे फैमिली को यहाँ पर लेकर जाते हैं, तो हर एक फैमिली में फॉर एग्जांपल की समझिए कि एक ही सिर्फ स्टूडेंट होगा, और उसके अगर दो भी बच्चे हुए तो फिर भी उनके साथ तीन डिपेंडेंट मिनिमम आ रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो यहाँ पर उन लोग रहने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर उसके बाद फिर वो लोग वो सैलरी में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद फिर बहुत समय ऐसा इंटेंशन होता है इन लोगों का कि यहाँ पर जिस तरह से भी उन लोग ये स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पर घुसे, और घुसने के बाद उसके बाद यहाँ पर फिर अपना वीज़ा टाइप चेंज करा ले, और वीज़ा टाइप चेंज करा के और उसके बाद फिर कोई दूसरे जॉब में चल जाए, तो एक बार सिर्फ एक तरह का एंट्री वीज़ा की तरह यूज़ कर रहे हैं, और वो फिर वो यहाँ के इमिग्रेशन गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो एक इल्लीगल है, और इसके बारे में गवर्नमेंट सोच ही रहे थे कि कैसे इस हिसाब से ये पूरे जो जो क्राउड, इतना बड़ा क्राउड जो स्टूडेंट्स का आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ओवरऑल यूके का क्राउड बढ़ रहा है, और ये इन्फ्लेशन भी और भी फ्लैट्स के रेट्स बढ़ जा रहे हैं रेंटेड, तो उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए, और उसके बाद फिर इसमें आग में घी डालने का काम किया है यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ ने। तो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है कि ऊपर से उन लोगों ने अपना कंसर्न इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बोला है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स वीज़ा लेके
यहाँ आते तो हैं और उसके बाद यहाँ पर एक दो महीने का फीस भी भरते हैं, और उसके बाद फिर एक बार एंट्री हो गया उसके बाद फिर वो अपने वीजा टाइप को चेंज करा लेते हैं, और उसके बाद फिर वो कोई भी यहाँ पर जो भी अभी जैसे, जैसे बहुत हाँ, अभी पेंडेमिक के बाद इतने ज्यादा अभी सब जॉब्स जो है जैसे केयर होम जॉब्स हुआ, मेडिकल रिलेटेड हेल्थ केयर में, तो ये सारे जॉब्स यहाँ पर काफी हैं, तो इन सारे जॉब्स को बाहर से अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए जिस तरह से भी उन लोग यहाँ पर स्टूडेंट वीजा में आ जाते हैं और उसके बाद फिर उन लोग अपने केयर होम जॉब्स में स्विच कर जा रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों का सैलरी भी थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, सैलरी मिल जा रहा है, और उसके बाद कॉलेजेस को इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉलेज ऑलरेडी सब ये सब स्टूडेंट्स के लिए सीट एलोकेट करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल 10 20 या 50 100, और उस हिसाब से लोग एक दो महीने का सैलरी सॉरी एक दो महीने का फीस भी पे कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये फिर जैसे ही वीज़ा स्विच हो जाता है इन लोग अपने फिर ये कॉलेजेस को छोड़ देते हैं, फिर कॉलेजेस को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ये सब सीट्स का। तो इसके कारण इन्होंने अपने कंसर्न गवर्नमेंट्स को बोले हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बहुत ही बड़ा एक्शन इसके अगेंस्ट में लिया है। मतलब इंडिया तो भी ठीक है, इंडिया से लोग जो आते हैं वो तो भी मतलब मैनेजेबल, बट नाइजीरिया साइड से जो लोग आ रहे हैं ना वो डिपेंडेंट तो मतलब स्पाउस को तो लेके आते हैं, साथ में दो दो तीन तीन बच्चे लोग आ रहे हैं, और इंडिया से भी मतलब लो स्किल जो है आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आने मतलब जो क्लास 8 9 10 पास है ऐसे लोग भी आ जा रहे हैं भर भर के डिपेंडेंट बन के, तो जिनसे गवर्नमेंट को एक्चुअली कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, उनका लॉस ही हो रहा है। तो इसके वजह से भी इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने अभी टेम्प्रेरी सॉल्यूशन निकाला है, कि अभी टेम्प्रेरी इस टाइप का डिसीजन लिया है कि आप फिलहाल के लिए डिपेंडेंट वीज़ा जो है बंद कर दिया, हो सकता है फ्यूचर में जाके चेंज हो जाए फिर से खुल जाए, तो फिलहाल तो अभी गवर्नमेंट ने इस तरीके का डिसीजन लिया है, ताकि जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम लोग जो आ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ की कैसे भी कंट्री में घुस जाओ और यहाँ आके सेटल हो जाओ, इस चीज को रोकने के लिए इस टाइप का स्टेप उठाया है, एक्शन लिया है। तो इसमें एक चीज अच्छी न्यूज है कि जो पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं, जो रिसर्च वगैरह करने के लिए आते हैं, जो मतलब पीएचडी में आ रहे हैं, तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है वो अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं, उनके लिए कोई वो लोगों के लिए कोई रोक नहीं है। बट जो नॉर्मल स्टूडेंट वीजा में आ रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री के लिए कोई आ रहे हैं, नॉर्मल तरीके का कोई कोर्स करने या नॉर्मल पढ़ाई करने, तो उन लोगों को डिपेंडेंट वीजा जो है अभी उसमें गवर्नमेंट ने ये रोक लगा दिया है। थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट वीज़ा से ही रिलेटेड, क्योंकि हर कंट्री में चूँकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये तो डिमांड पढ़ाई यहाँ पर तो यूके का काफ़ी बेस्ट है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग ऐसे ही अप्लाई करते हैं, जिसका कि अभी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और गवर्नमेंट भी उस हिसाब से काफ़ी वीज़ाज दे रहे हैं, तो इसका मिसयूज़ भी शुरू हो गया है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ये जो एजेंसीज हैं, जिन लोग वीज़ा बनाते हैं या फिर सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, यहाँ के एजुकेशनल कंसल्टेंट बोलते हैं, ये इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं मतलब हम लोग सारे कंसल्टेंट्स को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका मिसयूज़ भी करने लगे हैं इस वीज़ा का, और उस हिसाब से गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट भी फेक एजेंट्स के अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्लान किया है, ताकि उन लोग भी इस तरह के कोई भी फेक चीज़ों में ना पड़े, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स को भी ऐसा कोई रिस्क ना हो यहाँ पर आने के लिए। और एक होता है कि ये सारे जो फेक एजेंट्स हैं, जो अच्छे एजेंट्स हैं, वो यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाया जाता है, कौन यूनिवर्सिटी अच्छा है ख़राब है स्टूडेंट के हिसाब से वो बताते हैं, गाइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एजेंट्स लोग उसको उल्टा किस तरह से आप वहाँ पर घुस पाए, एंट्री कर पाए, किस तरह से अपना वीजा चेंज करा के सेटल हो जाए, वो सब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट भी, और इसके लिए क्या हो रहा है कि स्टूडेंट आ तो जाते हैं एजेंट का बात सुन के, उसके बाद यहाँ पे आके भुगतते हैं, साथ में अपने फैमिली को भी उनको भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इस तरीके का जो मतलब इनजेन्युइन तरीके से अगर आप यहाँ पे आ रहे हो दिमाग में कुछ और रख के कि कैसे भी हमको बस यूके में आके सेटल होना है, तो इसलिए फिर बाद में सफर करना पड़ रहा है और फिर उससे यूके गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है। तो मोटा मोटा हिसाब यही है कि इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके का स्टेप्स जो है लिया है। इन सारे चीज़ों की वजह से यहाँ पे एक तो एकोमोडेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को घर नहीं मिल पा रहे, मतलब डिमांड हाई है सप्लाई कम है, इस वजह से यहाँ पे बिडिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है घर मिलने में। हम लोग मतलब नॉर्मल जो लोग है घर खोजने जाओ तो घर मिलेगा नहीं, इतने ज़्यादा हाई बिडिंग है। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे पार्ट टाइम जॉब जो नॉर्मल स्टूडेंट लोग जो जेन्युइन स्टूडेंट है जो पढ़ाई करने आए हैं जिनको अपना खर्चा भी चलाना है, तो ऐसे लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज
जो डिपेंडेंट है वो लोग ही इन सारी चीजों में अप्लाई कर दे रहे हैं, जो मतलब लो स्किल डिपेंडेंट है, तो ऐसे में जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है, तो बाद मतलब भुगतना स्टूडेंट को ही पड़ रहा है जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है। तो इन सारे चीजों के वजह से भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया है, क्योंकि इसके लिए अभी काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गया है। तो फिर आप मेक श्योर कि आप 10 बार चेक करें उस यूनिवर्सिटी के उस एजेंट को, और उसके बाद ही यहाँ के लिए अप्लाई करें और आए, क्योंकि यहाँ पर सबका प्लान यही रहता है कि यहाँ पर किस तरह से भी 5 साल यहाँ पर पढ़ें और उसके बाद फिर काम करें और उसके बाद सेटल हो जाए, लेकिन वो सब फाइनली ILR में जाके अटक जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें से कोई भी ऐसा गलत तरह से अगर आपने वीजा स्विच किया या फिर आपने एंटर किया और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ, तो ये सारा चीज आपका चेक होगा आपके फाइनल रिकॉर्ड में, आपका ILR में, और उसके बाद अगर इसमें से एक भी प्रॉब्लम आपको पता चला तो स्ट्रेस में आपको फिर ILR में काफी मुश्किल होगा। मतलब गवर्नमेंट जो है ना सब तरीके का ट्रैक रखता ही है, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब ये कंट्री ऐसी है कि यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें रूल एंड रेगुलेशन पे ही बेस है, तो अगर रूल रेगुलेशन से आप फॉलो नहीं करोगे और कुछ भी तिगड़म बाजी लगा के अगर आप यहाँ एंटर कर जाओगे तो बाद में जाके आपको फंसना ही है ILR में। तो ये जो न्यूज है इसके लिए उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, यानी कि सितंबर 2023 अगर आप आ रहे हो तो आप उसमें कोई रोक नहीं लगा है डिपेंडेंट वीजा में। ये जो रूल है ये एप्लीकेबल होगा 2024 जनवरी से, तो उस टाइम पे अगर आप जो लोग आने वाले हो तो उसके डिपेंडेंट नहीं आ पाएंगे, जो भी डिपेंडेंट लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे, स्पाउस हो बच्चे हो, रोक लग गया है, तो 2024 जनवरी से वीजा पर डिपेंडेंट वीजा पर रोक लगा दिया गया है। तो हो सकता है इन फ्यूचर इन सारे चीजों को मतलब, क्योंकि अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट स्पाउस और बच्चे के बिना इंसान कोई रह नहीं पाएगा जो फैमिली है, तो फिलहाल के लिए इसको रोक लगाया गया है, लेकिन हो सकता है ये टेम्पररी ही है, बाद में जाके फिर से इसको दूसरे किसी तरीके से हो सकता है फिर से अप्लाई कर दिया जाए या कुछ और दूसरा कुछ रूल लेके हो सकता है कि गवर्नमेंट आ जाए, या तो कुछ रूल नए भी आ सकते हैं या फिर इसमें से भी कुछ रूल हट सकते हैं या फिर कुछ एडिशनल एक्सटेंड हो सकते हैं रूल। तो हम लोग काफी क्लोज ट्रैक रख रहे हैं इसको गवर्नमेंट वेबसाइट में, क्योंकि काफी अभी वोलाटाइल है ये सारे रूल्स, स्पेशली इमिग्रेशन साइड में, तो ये काफी वोलाटाइल है, हम लोग काफी ट्रैक रख रहे हैं, अगर कोई भी अगर नया कुछ अपडेट्स आता है इसमें तो हम लोग इमीडिएटली फिर से बनाएंगे वीडियो। और दूसरा चीज ये कि PSW वाले लोग जो है उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PSW जैसा है वैसा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो वीजा है उनके जो डिपेंडेंट है उनके लिए बनाया गया है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ पे आने के लिए सोच रहे हैं, तो फटाफट अगर आप मतलब सितंबर में आने वाले हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट जो लोग नेक्स्ट ईयर का प्लान बना रहे हैं तो फिर सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।